जैसे जैसे चुनावी तिथि नजदीक आ रही है, वैसे वैसे सभी पार्टियों के उम्मीदवार अपनी ताकत झोंकते नजर आ रहे हैं और एक दूसरे को झटका दे रहे हैं। इसी कड़ी में राव इंद्रजीत ने बसपा नेता मास्टर सुरेंद्र यादव को भी भाजपा ज्वाइन करवाकर अपने साथ जोड़ लिया है। साथ ही अपने चुनाव प्रचार के लिए भी एकजुट होकर जनता से वोट की अपील करते नजर आ रहे हैं। जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे ही सभी पार्टियों के उम्मीदवार अपनी ताकत झोंकने में लगे हैं और एक दूसरे को झटका भी दे रहे हैं। आज राव इंद्रजीत ने बसपा नेता मास्टर सुरेंद्र यादव को भी बीजेपी ज्वाइन कराकर अपने साथ जोड़ लिया, जहां भारतीय जनता पार्टी के नेता एक दूसरे के साथ ताकत झोंक रहे हैं। रामविलास शर्मा ने भी सोहना में अपना पसीना बहाया, जहां उन्होंने लोहिया धर्मशाला में जनसभा का आयोजन करके सोहना वासियों को विश्वास दिलाया और सोहना में मौजूद व्यापारियों ने भी विश्वास जताते हुए राव को समर्थन दिया। अच्छा खासा समर्थन। आपको क्या लगता है कितने वोटों से जीते? ये तो पब्लिक की वोटिंग की परसेंटेज के ऊपर निर्भर है, मैं भविष्यवाणी नहीं कर सकता, ब्राह्मण नहीं हूं। मास्टर सुरेंद्र यादव ने जो भाजपा का दामन थामा है, उसके बारे में क्या? अच्छी बात है, लोग दूसरी पार्टियों को छोड़ करके देश को मजबूत बनाने के लिए आज के दिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर शामिल हो रहे हैं। हम उनका स्वागत करते हैं और देश के लिए वो काम करेंगे। सोहना के दर्जनों गांव का दौरा कर राव इंद्रजीत सोहना के लोहिया धर्मशाला में एक जनसभा के लिए पहुंचे, जहां साथ में राम विलास शर्मा के साथ बसपा नेता सुरेंद्र यादव भी पहुंचे और पहुंचकर बीजेपी में शामिल हो गए, जहां इंद्रजीत ने विश्वास के साथ ये भरोसा दिलाया कि पूरा मान सम्मान भारतीय जनता पार्टी में मिलेगा। शहर के दर्जनों भर गांव में लोगों के बीच जाकर उनसे अपने पक्ष में वोट करने के लिए अपील की और राव इंद्रजीत को इस मौके पर लोगों ने फूल माला पहनाकर उनको सम्मान दिया और राव को वादा किया कि वो इस बार जमकर उन्हें वोट डालेंगे, साथ ही उन्हें एक बार फिर संसद में पहुंचाएंगे। राव इंद्रजीत ने लोगों को पिछले 5 सालों में विकास कार्यों के बारे में जानकारी दी, जिसमें राजीव चौक, हीरो होंडा चौक, सिग्नेचर टावर समेत जो फ्लाईओवर बने हैं वो उन्हीं का प्रयास था, जिससे लोगों की समस्याओं का हल हुआ। सोहना से गुलशन ग्रोवर की रिपोर्ट।